दोस्तों क्या होगा जब आप किसी भी अननोन एप्लीकेशन से लोन ले लेते हैं, तो बुरे से बुरे हाल में आपके ऊपर वो क्या इंपैक्ट करेगा, चलिए आज के इस वीडियो में जानते हैं। Space that has hosted many Chinese loan app companies have themselves fallen prey to them. लिए गए लोन को चुकाते चुकाते अब लोग मर रहे हैं, अपने पूरे परिवार को मारकर सुसाइड करने पर मजबूर हो रहे हैं। People are getting threatened, extorted, and then they get into depression. This is really happening, so we need to understand. चलिए दोस्तों, तो हम जानते हैं कि ये Chinese app work कैसे करती हैं। According to police investigation, हमें ये जानने को मिला, ये जो पूरा racket होता है, ये पूरी की पूरी एक corporate-like setup की तरह manage किया जाता है, जिसके अंदर एक director इन्हें head कर रहा होता है, जिनके group में कुछ managers आते हैं, और उन ग्रुप्स मैनेजर्स के नीचे टीम लीडर्स आते हैं, जिनके नीचे टेलीकॉलर्स वर्क करते हैं। ये वही टेलीकॉलर्स होते हैं जो आपको कॉल कर करके आपको डराते धमकाते हैं और साथ के साथ आपसे पैसे वसूलते हैं। आई कैड से बोल रहा हूँ। हाँ जी सर, बोलिए। पेमेंट नहीं हो अब तक? पेमेंट 12 बजे तक टाइम है सर, 12 बजे के बीच हो जाएगा। ठीक है, 12 बजे में टाइम है जी। अबे तू जो कि ह्यूमन रिसोर्स डिवीजन होता है, ये लगातार हायरिंग करता रहता है टेलीकॉलर्स की, जिससे ये ज्यादा से ज्यादा टेलीकॉलर्स हायर करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को टारगेट कर सके, और कुछ लोग इसके अंदर फाइनेंस संभालते हैं। अब आइए जान लेते हैं कि ये अट्रैक्ट कैसे करते हैं बोरोवर को, या आपको या हमें ये लोग अट्रैक्ट कैसे करते हैं। अकॉर्डिंग टू पुलिस, ये पता लगाया गया है कि ये ऐप सबसे पहले आपको जीरो इंटरेस्ट रेट का अट्रैक्शन देती है, जिसमें आप 90 दिन तक कोई भी इंटरेस्ट रेट नहीं देते हैं, और 90 दिन के अंदर जो भी आपने लोन अमाउंट लिया है वो आप इसको वापस कर सकते हैं। ये ऐप्स लोगों को जीरो इंटरेस्ट रेट का वादा करता था, और तो और 90 डेज का इंटरेस्ट फ्री पीरियड इसका भी वादा करता था। हालांकि जैसे ही बोरोवर इनसे लोन ले लेता है, तो कुछ दिनों बाद ही इनके ऊपर हायर इंटरेस्ट रेट 15-30% तक ये लोग लगाना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे ही आप लोन ऐप को इंस्टॉल करते हैं, तो ये ऐप आपसे आपकी कॉन्टैक्ट की और आपकी गैलरी की परमिशंस मांग लेता है। जैसे ही लोन सीकर ये परमिशन प्रोवाइड कर देते हैं, वैसे ही आपके सारे कॉन्टैक्ट और आपकी गैलरी के सारा डाटा इनके सर्वर पे सेव हो जाता है। इनकी पूरी टीम होती है जो आपको ट्रैक करती है, और जैसे ही आपने लोन लिया, देन उसके कुछ दिनों बाद से ही ये आपके और आपके रिलेटिव्स और फ्रेंड्स के कॉल करना और मैसेजेस करना चालू करते हैं थ्रू डिफरेंट मोबाइल नंबर्स। ये लोग आपसे ज़्यादा से ज़्यादा पैसे वसूलने के लिए या पैसे ऐंठने के लिए आपकी गैलरी से आपकी निकाली हुई इमेज को वल्गर इमेजेस के साथ मॉर्फ करके आपके रिलेटिव्स आपके फ्रेंड्स को शेयर करते हैं, और आपको डराते धमकाते हैं, जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसा इनको अपनी जेब से निकाल के दे दें। विक्टिम के ट्रैप होने के बाद ये उनकी सारी इन्फॉर्मेशन रिकवरी मॉड्यूल को प्रोवाइड कर देते हैं, और वो रिकवरी मॉड्यूल आपसे आपको डरा के धमका के एड़ी चोटी का दम लगा के आपसे पैसे और आपकी इन्फॉर्मेशन निकालते हैं। और पुलिस की इन्वेस्टिगेशन से ये पता लगा कि सिर्फ पैसे ही नहीं, ये आपके पर्सनल डाटा को, आपके कॉन्टैक्ट के डाटा को भी स्टोर करके रखते हैं। चलिए अब ये जान लेते हैं कि ये किन को टारगेट करते हैं और कैसे टारगेट करते हैं। इनकी जो सबसे फर्स्ट टारगेट ऑडियंस होती है, वो होते हैं यंग जनरेशन, जो काफ़ी डिजिटल ट्रांजेक्शन्स करते हैं, जिनको कभी कभार छोटे अमाउंट की, यानी कि 5-10 हज़ार रुपये की नीड होती है, जो कि वो घर से नहीं ले पाते, वो बनते हैं इनके सबसे पहले शिकार। जैसे ही उन्हें प्ले स्टोर पर ऐसी कोई ऐप दिखती है, वो सबसे पहले इनको इंस्टॉल करते हैं, और जो भी वो परमिशन मांगते हैं, बिना देखे सोचे समझे उनको वो परमिशन ग्रांट कर देते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में सिर्फ यही बात आती है कि मैं कैसे भी करके इस ऐप से लोन ले लूं। अब आगे की बात करते हैं कि ये लोग Tier 2, Tier 3 और Tier 4 जैसे सिटीज को, जहाँ पे इंटरनेट स्कैम्स की अवेयरनेस नहीं है, ऑनलाइन फ्रॉड की अवेयरनेस नहीं है, ये वहाँ के लोगों को अपना शिकार बनाते हैं। ये लोग उनको टारगेट करते हैं थ्रू फेसबुक एड्स, क्योंकि फेसबुक एड्स Tier 2, Tier 3 में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं एज़ कम्पेयर टू इंस्टाग्राम। तो फेसबुक एड्स के थ्रू और गूगल एड्स के थ्रू, जिनसे ये वेबसाइट्स के थ्रू इन लोगों तक पहुंचते हैं, ये लोग प्ले स्टोर पे अपनी ऐप को होस्ट करते हैं, जिससे ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचते हैं। अब ये जान लेते हैं कि ये जो लोग हैं, ये एक्चुअली में वर्क किन के साथ करते हैं, या इनका कनेक्शन किन के साथ है। हालांकि पुलिस इन्वेस्टिगेशन में ये पता लगा है कि सामने तो हमारे जितने भी लोकल इंडियंस हैं वो तो है ही,
बट इनका जो मेन कनेक्शन बताया जा रहा है वो चाइना से है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में एक और बात पता लगी है कि ये लोग जितना भी पैसा लूटते थे, जो भी 2-3 हज़ार करोड़ रुपए है, ये हवाला और क्रिप्टो करेंसीज के थ्रू चाइना भेज दिया करते थे। और साथ के साथ जितने भी लोगों के साथ इन्होंने स्कैम किए हैं, उन सबके पर्सनल डाटा और इन्फॉर्मेशन भी ये चाइना और हांगकॉन्ग के सर्वर पर ट्रांसफर कर देते थे। गवर्नमेंट की एक वेबसाइट होती है cybercrime.gov.in, जिसमें जितने भी इंटरनेट फ्रॉड से रिलेटेड और आपको ऑनलाइन फ्रॉड से रिलेटेड जितने भी दिक्कतें होती हैं, आप उन सब के FIR यहाँ पे दर्ज करा सकते हैं। तो हुआ यूं कि साइबर क्राइम पे 100 से भी ज़्यादा केसेस यहाँ पर रजिस्टर हो चुकी थी, और जैसे ही पुलिस ने इन सारे केसेस को पढ़ना चालू किया, देन वो एक्टिव हुई और उन्होंने एक 22 लोगों के ग्रुप को बर्स्ट किया, जिससे उनको ये पता चला कि ये कंपनी 100 से भी ज़्यादा फेक एप्लीकेशन बना चुकी है और 2,000 से 3,000 करोड़ का स्कैम कर चुकी है और ना जाने कितने लोगों का इन्फॉर्मेशन और डाटा चाइना को ट्रांसफ़र कर चुकी है। अब इन सारी चीज़ों से आखिरी में कंक्लूजन यही निकलता है कि हम इन एप्लीकेशन से बच कैसे सकते हैं या हम क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं इन एप्लीकेशन से बचने का, और ये कैसे पता करें कि आज के टाइम पे कौन सा डिजिटल लैंडिंग एप्लीकेशन असली है और कौन सी नकली। आंसर बहुत इजी है फ्रेंड्स, RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हमें बस ये पता करना है कि जो डिजिटल लैंडिंग कंपनी या जो डिजिटल लैंडिंग ऐप हमें पैसे दे रहा है, क्या वो RBI के साथ रजिस्टर्ड है कि नहीं। हमें वहाँ पे RBI का रजिस्टर्ड नंबर उनके एप्लीकेशन पर चेक करना है और वो रजिस्टर्ड नंबर को RBI के पोर्टल पर जाके चेक करना है। अगर वो लेजिट होगी, वो असली होगी, तो RBI के साथ वो जरूर टाई अप में होगी। अगर वो एप्लीकेशन RBI के साथ रजिस्टर्ड नहीं है तो उस ऐप से आप लोन ना ही ले तो ही बढ़िया रहेगा। एक आध और चीजें हैं जिससे आप इनके ऑथेंटिसिटी को देख सकते हैं। अक्सर देखा गया है कि इन एप्लीकेशंस के फिजिकल एड्रेस नहीं होते, तो आप इनके एप्लीकेशन में या इनकी वेबसाइट्स पे जाके चेक कर सकते हैं क्या इनका कोई फिजिकल एड्रेस है, और अगर कोई फिजिकल एड्रेस है तो क्या वो लेजिट एड्रेस है या कोई गलत एड्रेस तो नहीं। क्या वो डिजिटल लैंडिंग एप्लीकेशन आपका KYC कर रही है कि नहीं, क्योंकि KYC करने से हमारे लिए ही प्रॉफिट है। क्या वो आपका सिविल चेक कर रही है कि नहीं, क्योंकि इससे आपको हेल्प मिलेगी। जो लोन एग्रीमेंट बनेगा आपके और आप लैंडिंग एप्लीकेशन के साथ, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कंपनी के लिए भी और एज वेल एज़ हमारे लिए भी, क्योंकि उसके अंदर कुछ पॉइंट्स हैं जिससे हमें हेल्प होती है बाद में कुछ चीज़ों का, जैसे कि हमारा रीपेमेंट ड्यूरेशन कितना है, हम कितना इंटरेस्ट पे कर रहे हैं पर एनम, और भी बहुत सारी चीज़ें। और फ्यूचर में आपको ऐसे कोई स्कैम करने वाली एप्लीकेशन दिखती है तो आप इन तीन चीज़ों से उस एप्लीकेशन को बस्ट करने में हेल्प कर सकते हैं। पहली चीज़ कि जहां आपने उस एप्लीकेशन को होस्ट देखा है, सबसे पहले आप उस एप्लीकेशन पे जाकर रिव्यू करिए, आप RBI को रिपोर्ट कर सकते हैं। और तीसरी, आप साइबर सेल ऑफ पुलिस को ऑनलाइन FIR के थ्रू cybercrime.gov.in पे जाके कंप्लेन कर सकते हैं। इन दौरान जितने भी पुलिस ने फेक लोन को बस्ट किया है, उन सब की एप्लीकेशन की लिस्ट मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से भी चेकआउट कर सकते हैं। हम सभी को आज के टाइम पे ये पता है कि इंडिया को यूथ का देश, यंग जनरेशन वाला देश बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे 40-50% जो जनरेशन है वो 15-29 ईयर्स की है। तो आपको क्या लगता है, ये हमारे किसी पड़ोसी देश की साजिश है या कुछ और, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें उन दोस्तों को जो आज तक इन सारी चीज़ों से परे हैं, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। टिल देन, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग द ब्रेन स्कूल।